बजे सुबह के बज रहे हैं 9:30 इस टाइम, टू बी स्पेसिफिक 9:40, और मैं 7:30 बजे का उठा हूँ। इस 2 घंटे के बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस पढ़ा था और YouTube देखे जा रहा था। तब से मैं ये सुनो क्या कॉन्टेंट बनाया जाए, तो अंदर से आवाज़ आई कि भाई सोचो मत, बनाना स्टार्ट करो। बिकॉज इफ आई जस्ट वेट एंड थिंक वॉट टू क्रिएट, आई डोंट थिंक आई वुड क्रिएट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि यू हैव टू मेक क्वान्टिटी ओवर क्वालिटी। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी इसलिए है क्योंकि मोर वर्क विल लीड टू मोर लर्निंग एंड मोर लर्निंग विल लीड टू मोर इम्प्रूवमेंट। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट क्वांटिटी में भी होगी और क्वालिटी में भी होगी। और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी सी अपडेट शेयर कर दी जाए। तो अपडेट नंबर 1 इज आई हैव रिसेंटली मूव टू गुड़गांव। 3 नवंबर को आई मूव्ड हियर। मेरे अंदर ना बहुत फियर ऑफ चेंज था। आई यूज्ड टू लिव इन नोएडा फॉर 4.5 साल में नोएडा में रहूं, तो मेरे अंदर ना एक वो डर था मूव, मैं कभी भी ना करना नहीं चाहता था। पहले भी मेरे पास बहुत सारे जॉब ऑफर्स आए थे गुड़गांव से, लेकिन मैंने कभी हाँ नहीं करी। तो अब मेरे अंदर नहीं है फियर ऑफ चेंज, आई हैव ओवरकम इट, आई डोंट नो हाउ। मैंने चाहा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करूं अपनी लाइफ में, तो हो सकता दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट हेल्प मी ओवरकम माई फियर ऑफ चेंज। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है, मेरे को चेंज से डर नहीं लगता। आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स इन माई लाइफ। तो एक ये चैलेंज हमने अपने आप को दिया है कि हम अपने को इम्प्रूव करेंगे और अपनी चीज़ों को इम्प्रोवाइज करेंगे। जो अभी तक डर लगता था उससे आगे बढ़ेंगे। डरना नहीं है लाइफ में, क्योंकि डर के आगे ही जीता है। माउंटेन ड्यू ऋतिक रोशन भैया ने बोला था ना माउंटेन ड्यू वाले एड में कि डर के आगे जीता है, तो डर के आगे जीत करेंगे हम। एंड अपडेट नंबर 2 कि अब से यू कैन एक्सपेक्ट व्लॉग्स रेगुलरली। आई हैव कमिटेड टू माई सेल्फ कि मैं 1 महीने में एटलीस्ट 3 से 4 ब्लॉग्स अपलोड करूंगा ही। और मैंने अपने लिए कुछ नए टारगेट्स भी सेट करे हैं, जैसे कि 1 महीना बचा 2020 आने के लिए, तो स्टार्टिंग जनवरी 2020 टिल द एंड ऑफ 2020 दिसंबर आई हैव टू अपलोड अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोज। और मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, बिकॉज देखिए बात सही है कि कॉन्टेंट इज द किंग, बट I think consistency is also required, because if you have a very good content, अभी मुझे नहीं पता मेरा content कैसा है, but whatever, if you have good content and you are not consistent in your work, so I don't think it will lead you somewhere. So consistency की भी बहुत जरूरत है। तो I'll make sure कि मेरे vlogs consistent रहें, and इसलिए मैंने numbers decide करे हैं कि मैं at least 1 साल में approximately 50 videos upload करूंगा, तो that's like 4 videos a month, और हो सकता है कभी ज़्यादा भी हो। तो this was update number 2. बाकी मैं सोच रहा हूँ कि बाल थोड़े ट्रिम करा लिए जाए, तो अभी चलते हैं गुड़गांव मार्केट में एक्सप्लोर करने, क्योंकि अभी नए नए आए ना यार भैया, तो देखना तो पड़ेगा। तो हम चलते हैं, ढूंढते हैं मार्केट, बाल में ट्रिम कराते हैं, क्योंकि शाम को ऑफिस भी जाना है। अभी तो 12 बज रहे हैं। देखे बाल भी कटवाने हैं, लेकिन उससे पहले गाड़ी में तेल डालना बहुत जरूरी, तो पहले तेल डलवा लेते हैं।
तो बाल कट चुके हैं, देखें क्या स्मार्ट बना दिया है हमें नाजिम भाई ने। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने वापस घर की तरफ और आगे की अपडेट अभी बताता हूँ आपको मैं। बिरादर को नजीम भाई ने सेक्सी बॉय बना दिया है, सेक्सी बॉय। मई 2019 से आई हैव नॉट सीन जिम। जिम कैसा होता है अपन को पता भी नहीं है, अपन भूल गया है जिम में कैसा सिस्टम होता है, अपन भूल गया है। तो स्टार्टिंग दिसंबर आई एम आल्सो जॉइनिंग जिम, दिस इज अनदर गोल फॉर मी। मेरे को अपने बर्थडे से पहले पहले, मेरा बर्थडे 7 जनवरी को, उससे पहले पहले आई हैव टू गेट बैक इन शेप। मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मेरा चेहरा भी काफी फूल गया, तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस। तो दिस इज द थर्ड अपडेट। और हाँ, आपको एक और चीज़ बोलनी थी कि थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। अभी वी आर अ फैमिली ऑफ 94 पीपल और बहुत जल्दी 100 हो जाएंगे। आई नो कि इस वाले व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट आई प्रॉमिस कि आने वाले टाइम में मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा, आपको बोर नहीं करूँगा, फॉर श्योर, पक्का प्रॉमिस है भाई का आपसे ये। अभी मैं गुड़गांव को एक्सप्लोर करूँगा थोड़े टाइम में और आपके साथ करते हैं एक्सप्लोर। आज हमारे चैनल पे 20 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, सो दिस इज द 20th वीडियो। तो दिस इज अचीवमेंट फॉर मी कि 20 वीडियोस बना चुका हूँ मैं अभी तक। इंशाल्लाह मैं रुकूंगा नहीं बिल्कुल भी। अपना प्यार देने के बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी टाइम इज 4 PM और मैं 6:30 तक ऑफिस चला जाऊँगा, बाल कटा रखे, तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्त घूमे फिरें, टेंशन ना लें, चिल मारे। चलिए, शुक्रिया देखने के लिए, लव यू ऑल। व्हाट इज ब्रो, लव यू ऑल।